Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanu IAS YouTube channel, and today we are going to cover the important current affairs of 3rd and 4th week of February of Himachal state. Ye current affairs, these are very relevant for your prelims as well as mains examination, और साथ ही साथ जो other examinations निकलते रहते हैं time to time, whether it is नायब तहसीलदार या allied services, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा relevant है. So let's begin with the news number one. रिसेंटली गवर्नर ने ऑनर किया है नेशनल चाइल्ड अवार्ड विनर जिनका नाम है श्रेया लोहिया, और इनके बारे में लेट्स टॉक अबाउट हर कि इन्होंने जो है श्रेया लोहिया जो कि रेसिडेंस है सब डिवीजन ऑफ सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं, और गवर्नर जो है हमारे उन्होंने काफ़ी ही वॉज वेरी हैप्पी कि इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है. श्रेया लोहिया ने अच्छा अचीवमेंट किया है इन द कैटेगरी ऑफ मोटर स्पोर्ट्स कार्टिंग रेस एट द नेशनल लेवल, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने इंटरनेशनल रेसिंग के अंदर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है. तो ये भी आप याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स या जहाँ पर भी वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, राइट. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ठीक है, एंड दिस व्हीकल पॉलिसी विल एम टू मेक हिमाचल प्रदेश एन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लस्टर ऑफ 2025, राइट. सो एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ हिली स्टेट, हिमाचल एक हिली स्टेट है जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जो है अभी भी सस्टेन होते हुए रह रही है, और एवरीवन टुवर्ड्स इट, सब लोग इसके अट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी टूरिज्म सेक्टर हिमाचल का फ्लरिश है. सो इसी सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिमाचल गवर्नमेंट प्लान कर रही है विद दिस टूरिज्म पॉलिसी कि हम लोग जो एयर है हिमाचल की उसको क्लीन एंड क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे विद द अपकमिंग ईयर्स. तो इसीलिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड नोटिफाइड द हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2022 टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन बाय प्रिवेंटिंग द स्मोक दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स, अंडरस्टैंड. तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है. अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर देयर इन द पॉलिसी. सो इसी पॉलिसी के तहत बात करें तो हिमाचल प्रदेश विल बी मेड अ हब ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, एंड बाय द ईयर 2025 बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, almost all the categories of the electric vehicles they will be produced in the state. तो ये बहुत बड़ा एक target है जिसको achieve करने के लिए government ये policy लेकर आ रही है. अब state government has set a target of registering 15% of electric vehicles by 2025, ठीक है, and ये भी propose किया जा रहा है that they are going to make 4 cities. याद रखिएगा ये 4 cities जो हैं, these are important cities. पहली है शिमला, मंडी, बद्दी एंड धर्मशाला एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये 4 सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन जो है इनको बनाया जाएगा. इसके अलावा हम लोग बात करें अंडर द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है फ्लीट्स विल बी सेटअप, ठीक है, प्रॉपर स्पेशल व्हीकल इलेक्ट्रिक फ्लीट जो है वो भी सेटअप किया जाएगा इन द हिमाचल प्रदेश, एंड 15,000 4-wheel व्हीकल्स जो हैं, 50,000 2-wheelers एंड 500 3-wheeler जो व्हीकल्स होंगे they will become the electric vehicles in the upcoming days, right. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी सेटअप किया जाएगा स्टेट के अंदर टू मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, और जैसे जैसे डिमांड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो बढ़ेगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होएंगी. वो 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन्स की भी हमने बात की वहाँ पे, और साथ ही साथ उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी, राइट. तो ये भी आप याद रखिएगा. गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी फिक्स करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पर किलो वाट के हिसाब से, पर किलो वाट के हिसाब से ये सब्सिडी डिसाइड की जाएगी, राइट. और ये नहीं बल्कि ओल्ड जो व्हीकल्स हैं जो रन कर रहे हैं फ्यूल के ऊपर विल ऑल्सो बी एबल टू कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर विच इंसेंटिव्स विल बी गिवन, राइट. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि काफ़ी ओल्ड पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, राइट. अब इसके अलावा और भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशंस जो है वो प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर विल बी इम्प्लीमेंटेड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्ट द रोड टोकन टैक्स ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो वो जो रोड टोकन टैक्स होगा वो जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप परचेज करेंगे तो उसमें नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। इवन ऑन द हाईवेज देयर विल बी नो टोल टैक्स फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द स्टेट एंड outlying states. This is also very revolutionary measure that government is taking. ठीक है, इससे भी काफ़ी लोग जो हैं वो attract होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है commercial permit जो fee है will be waived, ठीक है, उसको भी माफ़ किया जाएगा as per the notification of the Union Ministry of surface transport है and highways, and ये जो assumption रहेगा ये valid रहेगा 5 साल के लिए। तो commercial permit fees जो है वो भी माफ कर दी जाएगी इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर और क्या क्या है, इसमें है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पार्क है दैट टू बी सेटअप इन द हिमाचल, ये सेटअप किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क जो हो गए वो बनाएगी, विल बी बिल्ट इन 100 to 200 acres, राइट। एक प्रॉपर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ एक मिले और एक्सटर्नल नेसेसरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस जगह पे मिल पाए, इस तरीके के पार्क्स जो हैं विल बी डेवलप्ड ओवर द 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ये डेवलप किए जाएंगे। व्हीकल्स विद द बैटरी पैक्स लेस देन 120 volts will come under the category of light vehicles. तो ये भी याद रखिएगा, जिनका बैटरी पैक्स लेस देन 120 वोल्ट्स है वो किसके अंदर आएंगे, कैटेगरी ऑफ लाइट व्हीकल्स के अंदर आएंगे। फिर विद द हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद द कैपेसिटी ऑफ मोर देन 500 वोल्ट्स विल बी कॉल्ड, राइट। चलिए, सो बसेस की सेम कैपेसिटी होगी, ई स्कूटर भी होगा जिनकी ई बिल्ट बैटरी होगी जिसका 50 किलोमीटर तक का बैकअप रहेगा। विद दिस एन एडिशनल बैटरी जो है वो 50 किलोमीटर्स और लगाया जा सकता है एडिशनल बैटरी को, ताकि वो 50 किलोमीटर और उसकी किलोमीटर्स को एनहांस किया जा सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि हमें इनको रीड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक गवर्नमेंट का एक स्टेप है टू मेक श्योर कि सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट है वो रहे हिमाचल प्रदेश का और टूरिज़्म और अच्छे से प्रमोट हो जाए अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को वेल इनिशिएट एग्जीक्यूट किया जाएगा। गोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट इज़ वेरी क्लियर दैट ये जो यूज़ होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये मेड होना चाहिए मैंडेटरी, ठीक है, इन द फेज मैनर। ऐसा नहीं कि एकदम से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैंडेटरी कर दिया, फेज मैनर में होगा। सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाएगा एंड गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से, एंड देन एट द अदर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी खींची जाए, अट्रैक्ट की जाए फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए। एंड स्टेट विल प्रिपेयर अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट ऑल्सो, ठीक है। स्टेट क्या करेगा, स्टेट विल प्रिपेयर अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से इसको धीरे धीरे प्रोग्रेस भी किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी के रिलेटेड एक और पॉइंट बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है विल बिकम द नोडल एजेंसी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होगा वो नोडल एजेंसी बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ बीन मेड द नोडल एजेंसी फॉर प्रिपेयरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग व्हीकल्स विद द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का काम होगा, ठीक है। सो एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन जो है वो बिल्ड किया जाएगा इन द ग्रिड ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है। एंड 1 सच जोन जो है विल बी क्रिएटेड इन शिमला, मंडी, बद्दी एंड धर्मशाला सिटी, जहां पे हमने बात किया वेयर देयर इज 0 इमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम दी ट्रेन्स, वेयर ओनली वॉकिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग जो है ये सारा इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी वैलिड किया जाएगा, ठीक है। तो 0 इमिशन वाला जो 3-4 जो जगहें हैं वहाँ पे रखा जाएगा 0 इमिशन ऑफ गैसेस हो, और जहाँ पे केवल जो होगा दैट इज वॉकिंग, साइकिलिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा ही किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्ड की जा रही है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये जो पाइन नीडल्स हैं इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके। इनको जो है ये एक कॉज ऑफ फायर भी होती है, फॉरेस्ट के अंदर जो फायर हो जाती है, लग जाती है, इन पाइन नीडल्स की वजह से लगती है, तो इसको रोकने के लिए और इसको हम किसी और चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ नेचुरल फाइबर, उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी को एनहांस डेवलप किया जा रहा है। सो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा न्यूज़ है। दैट इज़ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, दे हैव साइंड an agreement for the transfer of technology for the utilization of pine needle as a source of natural fiber। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक तरीके से एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो FRI और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि इन नीडल्स को हम लोग नेचुरल फाइबर की तरह यूटिलाइज कर सकें। देखिए, इफ वी टॉक अबाउट कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पाइन नीडल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं। कंबस्टेबल, इनमें एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से बहुत जल्दी फायर कैच हो जाती है। तो दीज आर हाईली कंबस्टेबल एंड दे कॉज अ डिवास्टेटिंग फॉरेस्ट फायर, जिस फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग द समर टाइम, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो टिम्बर है उसका लॉस हो जाता है। रेसिन प्लांटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड अदर बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहती है इन फॉरेस्ट फायर से। तो इसी का ही सोल्यूशन जो है पाइन नीडल्स को नेचुरल फाइबर की तरह यूज़ किया जा सकता है। एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप फॉरेस्ट फायर को तो कम कर ही देंगे और साथ ही साथ आप लाइवलीहुड ऑप्शन भी जनरेट करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इट वुड इन्वॉल्व मच कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होंगे इकट्ठे होंगे, और हिमाचल प्रदेश ने तो हैज़ ऑलरेडी अ पॉलिसी अबाउट कलेक्टिंग एंड रिमूविंग द पाइन नीडल फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर ही दिया है कि आप कलेक्ट कीजिए, रिमूव कीजिए पाइन नीडल्स को फॉरेस्ट से, ताकि फॉरेस्ट फायर ना लग पाए। और ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा बोली गई है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी होगा, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्टार्ट ऑफ 3-डे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडली डायलॉग इन शिमला। तो 3 दिन का ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडली डायलॉग है, शिमला के अंदर हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन का सेंटेंस, एक लाइन का सवाल बन सकता है। ठीक है, तो कौन ज्वाइन करने वाले हैं? इंडिया साइड से राजकुमार रंजन सिंह जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल अफेयर्स, एंड MJ अकबर जो जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन है, वाइल बांग्लादेश से कुछ और जो काउंटर पार्ट है, बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, वो जो है वो ज्वाइन करेंगे इस डायलॉग को। याद रखने का वाला पॉइंट ये है दैट इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडली डायलॉग हेल्ड इन शिमला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट यूजेस ड्रोन्स टू डिलीवर द मेडिसिन, ट्रायल अंडरवे इन चंबा। सो पहला सवाल तो आपका यहीं से बन जाएगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो ड्रोन को शुरू किया है, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है स्काई एयर। ठीक है, स्काई एयर, इसके साथ जो है MOU साइन किया है ताकि ड्रोन्स जो है वो डिलीवर किए जा सके। ठीक है, ड्रोन्स का यूटिलाइज किया जा सके मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए। पहला जो इसका ट्रायल है वो चंबा में शुरू हो रहा है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ IT जो है हैज साइंड एन MOU with the Sky Air for the extensive use of drone to deliver the medicine as well as agricultural products। ठीक है, सो ये 3 दिन का जो ट्रायल है, पहले तो ऑब्वियसली ट्रायल ही करेगी कंपनी, तो 3 दिन का ट्रायल जो है ये किया जा रहा है इन दी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे 6 प्राइमरी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को जो है वो हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, एंड इन द एरिया वाइल मल्टीपल फ्लाइट्स जो होंगी वो कवर करेंगी डिस्टेंस ऑफ 170 किलोमीटर को, अंडरस्टैंड। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ विल दैट हेल्प, कैसे हेल्प होगी इन चीज़ों की। देखिए, जो ड्रोन डिलीवरी टेक्नोलॉजी फर्म है स्काई, हमने बात किया स्काई एयर की, इज यूजिंग इट्स मोस्ट रिलायबल UAV स्काईशिप 1। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ताकि रियल टाइम डिलीवरी हो पाए। ठीक है, उसमें कोई गैप ना रहे। ठीक है, और वैक्सीन का या मेडिसिन का, और इनका जो टेम्परेचर रेंज हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेके 8 के बीच में ही जाता रहे टेम्परेचर। ठीक है, और रिवर्स लॉजिस्टिक फ्लाइट्स का भी यहाँ पे प्रोविज़न है, और साथ ही साथ जो एल्टीट्यूड होगा वो 400 फीट अबव द ग्राउंड लेवल होगा, जहाँ पे ये फ्लाइट्स चलेंगी ड्रोन्स की, जहाँ पे मेडिकल या मेडिसिन सप्लाई जो होगा किया जाएगा 400 फीट अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी सैल्यूटेड द ग्रेट सेंट एंड थिंकर जिनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंसा जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, राइट। सो he played an exemplary role in the spreading Indian culture through the through his spiritual knowledge। रामकृष्ण परमहंसा, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं बिकॉज ये न्यूज़ के अंदर है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लेते हैं। जैसे इनका जो बर्थ हुई थी वो 18 फरवरी 1836 में हुई। इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है दैट इज कमारपुकार विलेज हुगली डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तब 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ। इनकी वाइफ का नाम था शारदा मोनी देवी। इनके जो रिलीजियस व्यूज थे दैट वाज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म के अंदर भी हम लोग बात करें तो अद्वैतिज्म, ठीक है, अद्वैतिज्म का जो है अद्वैतवाद, थोड़ा सा इसको याद करिएगा। तो इसकी एक पूरी फिलॉसफी है जिसके ऊपर ये अपने इनके चीज़ें रखी थी। फिलॉसफी के अंदर और देख ले तो शक्तो है, अद्वैतता, वेदांता है, यूनिवर्सल टॉलरेंस की इन्होंने बात की। और डेथ हुई इनकी 1886 16 अगस्त में। एंड प्लेस ऑफ जो डेथ है वो है कोसीपोर, कोलकाता, कैलकाटा के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट हो गया जो आपने याद रखना है। साथ ही साथ जब भी इस तरीके के न्यूज़ आते हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर में कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इतना पढ़ने को मिलेगा दैट स्वामी रामकृष्ण परमहंसा, राइट। तो व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक श्योर हम लोग उसको कहीं और किताबों से, रेफरेंस बुक से या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ पर देख लें कि इस पर्सनैलिटी का न्यूज़ में आया है। सो लेट्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लग रही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो हिमाचल है उसने दे हैव टेकन अ वेरी इफेक्टिव मेजर्स टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम वेरी वेल। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया था एंड स्टेट ऑफ हिमाचल ने उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। प्रोवाइड द गुड हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस टू द पब्लिक, राइट। सो वॉट वी आर सपोज टू रीड इज कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है अप टू 5 लाख इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी फैमिलीज इन द स्टेट अंडर द स्कीम। ठीक है, उसके बाद अबाउट आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें तो आयुष्मान भारत इज अ हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। आयुष्मान भारत एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू सिटीजन्स। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख, ठीक है, ऑन दी फैमिली फ्लोटर बेसिस के अंदर। बेनिफिशरी हर साल दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिसीव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर। मतलब सर्विसेज, चाहे प्राइमरी सर्विसेज हो हेल्थ केयर की या सेकेंडरी हो या टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, इन 3 कैटेगरीज के अंदर आपको ये कवरेज मिलेगा अप टू 5 लाख रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज़ देख लेते हैं। अभी एक और एक पर्सनालिटी है जिनका न्यूज़ में आया है दैट इज़ गुरु रविदास जयंती। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, ही विश्ड ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु रविदास जयंती। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हिज पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट। रविदास जयंती जो है वो ऑनर करती है गुरु रविदास एनिवर्सरी को, एंड ये जो फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम जोविलिटी से मनाया जाता है। ठीक है, सो इनके बारे में जाने तो ही इज़ वेल नोन सेंट एंड ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टूवर्ड्स दी भक्ति मूवमेंट, राइट। चलो towards the bhakti movement. Now next हम लोग बात करते हैं recently कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ इथेनॉल प्लांट एट जितपुर बिहारी इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो यार इस चीज़ को याद रख लेना कि कहाँ पे हो रहा है ये, कहाँ पे इथेनॉल प्लांट बनेगा, जितपुर बिहारी इन ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये बूस्ट करेगा जो स्टेट की डेवलपमेंट को, और यूज़ ऑफ इथेनॉल जो है उससे रिड्यूस होता है पोल्यूशन एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प द स्टेट टू इंश्योर कि उसका जो पॉलिसी है कि स्टेट को प्रदूषण से दूर रखना है, हवा जो है वो क्लीन होनी चाहिए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे अगर इथेनॉल प्लांट प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए इसमें यह भी है कि मेजर रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होंगे। जैसे मेजर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इट इज़ जस्ट लाइक राइस मेज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन विल बी प्रोक्योर्ड। कहाँ से प्रिक्योर किया जाएगा? जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए राइस और मेज़ का ज़रूरत होती है, तो इसको प्रिक्योर किया जाएगा फ्रॉम द कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट बिसाइड होशियारपुर एंड रूपनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बिल्कुल आप इनको याद रख लीजिएगा। कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स ही हैं जहाँ से ये मेज़ और राइस का रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाएगा इथेनॉल के लिए। What exactly this ethanol? It is a renewable biofuel जो यूज़ किया जा सकता है, और ये एक क्लियर है कलरलेस एल्कोहल होता है जो वैरायटी ऑफ बायोमास मटेरियल से बनता है, जैसे फीड स्टॉक हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, इथेनॉल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं मेनली यूज़ क्या करते हैं, फूड ग्रेन एंड क्रॉप्स। एक चैलेंज जो इंडिया में आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, व्हाई कांट बी यूज़ इथेनॉल? ठीक है, ब्लेंडिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें मेजर चैलेंज यही है कि इसमें जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो वीट मेज़ हो गया, यहाँ से रॉ मटेरियल आता है। तो इंडिया में ऑलरेडी फूड क्राइसिस तो एक तरीके से है, अभी तक भी हम लोग ज़ीरो हंगर का टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो चीज़ जो फूड ग्रेन है उसको हम लोग इस चीज़ में डाल देंगे तो वहाँ पे फिर वो ऑलरेडी जो गैप है वो और बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे और हंगर जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, फूड जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये एक चैलेंज होता है, मेनली यूज़ द फूड ग्रेन्स एंड क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि उसमें होता है हाई स्टार्च एंड शुगर कंटेंट भी होता है एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द इथेनॉल, एज कॉर्न, शुगर, बाले के, शुगर केन, शुगर बीट हो गया। इथेनॉल कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्रासेस, ट्रीज, एग्रीकल्चरल ग्रासेस, ट्री से भी निकाला जा सकता है, या फॉरेस्ट जो बचा खुचा रेसिड्यू होता है, जैसे कॉर्न कॉब्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, राइस स्ट्रॉ हो गया, सॉ डस्ट हो गया एंड वुड चिप्स हो गया, यहाँ से भी इथेनॉल को ब्लेंड किया जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइज एन अवेयरनेस कैंपेन इन नादौन। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ने ऑर्गेनाइज किया अवेयरनेस कैंपेन इन नादौन। ठीक है, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, जिनका नाम क्या है, डेजी ठाकुर। तो थोड़ा इसको याद रख लीजिएगा, डेजी ठाकुर जो है वो चेयरमैन है स्टेट वुमेन कमीशन की। स्टेट वुमेन कमीशन की बात करें तो ये जनरली क्या है, ये कंसर्न रखती है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना है, जितनी भी वुमेन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, मैटर्स हैं, उनको जो है प्रॉपरली एडवाइस किया जाए गवर्नमेंट को कि ये इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं चीज़ें। What is the mandate of commission? The main mandate of the commission as per Himachal Pradesh State Commission for Women Act 1996 is what? It is to improve the status and dignity of the women in the society and also to make sure कि वो investigation हो अगर कोई भी ऐसा practice चल रही है which is derogatory in nature to the women, तो उसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के बाद सूटेबल मेजर्स भी सजेस्ट किए जाएं। ये भी काम जो है अपना कमीशन का होता है। एंड ऑल्सो इफेक्टिवली मॉनिटर ऑल्सो द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस में आप मेजर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और वुमेन को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, एंड गवर्नमेंट को भी एडवाइस करना, जो अभी पढ़ लिया। इट ऑल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन, अभी बताया, सारे के सारे मैटर्स का एग्जामिनेशन, ताकि जो वुमेन है उसके सारे जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको सेफ गार्ड करना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। द कमीशन इज एंजॉइंग मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड एंड दिस, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कसौली। कसौली इज द स्टेट्स फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब फॉर टूरिज्म। ठीक है, सो कसौली जो है स्टेट का पहला क्लीन स्ट्रीट हब है टूरिज्म के लिए। ओके, तो पहला तो यही आपका आ गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। टूरिज्म सेक्टर जो कसौली मार्केट है उसको जो है ये पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब बना है। इसको रिसेंटली पहला लाइसेंस मिला है, स्टेट का पहला लाइसेंस कसौली मार्केट को मिला है बाय दी FSSAI। ठीक है, इसके थ्रू मिला है। और इसमें जो है अब इस मार्केट में क्या किया जाएगा, इस मार्केट में जितने भी फूड रिटेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मेक श्योर किया जाएगा कि दे फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय द FSSAI, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे फूड वेंडर्स को अल्टीमेटली दे विल गेट द बेनिफिट अंडर द स्कीम। ऑल्सो जो लोग होंगे जो कसौली मार्केट में जो बेनिफिट जो मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, उनको भी एक हेल्दी और क्लीन जो फूड आइटम्स हैं उनको भी मिल पाएगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, पूरा चीज़ स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, दैट स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो स्टेट का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो 1 करोड़ की लागत से बन रहा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट बन कहाँ रहा है, दैट इज़ बुला इन झंझेली वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी सेटअप in the Bula in the Jhanjheli वैली ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो एक रिसर्च के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी पार्क, रिसर्च भी बहुत अच्छा रहेगा और कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज भी किया जा सकता है, एंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स को भी किया जाएगा कंजर्व, एंड एट द सेम टाइम ये टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क टू फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड हर्ब्स, ठीक है। और इसको जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है टू लिंक द टूरिज्म एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू रिसर्चर्स टू स्टडी वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है, टू स्टडी वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स फाउंड इन द हिमालयाज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को भी आप पूरा ध्यान दीजिएगा, दैट ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो इस तरीके से हम लोग ने बना, वी आर अबाउट टू सेटअप, राइट, और जो टूरिज्म को जोड़ेगा, रिसर्च को जोड़ेगा एक साथ, और आराम से जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं या हर्ब्स हैं उनको जो है दोबारा से रिस्टोर भी किया जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली एक चीज़ और भी है, दैट 2-3 हट्स जो हैं, 2-3 हट्स हैव ऑल्सो बीन प्रिपेयर्ड इन द पार्क फॉर टूरिस्ट फ्रॉम वेयर दे कैन एन्जॉय द पिक्चरेस्क्यू व्यू ऑफ द पार्क, ठीक है। तो 2-3 हट्स भी बनाए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। नाउ व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी पार्क? बायोडाइवर्सिटी पार्क एक इस तरीके का लैंडस्केप होता है जिसमें आपको मल्टीपल डाइवर्स कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, डाइवर्स कम्युनिटीज़ जहाँ पे आपको एक प्रॉपर इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल बेनिफिट मिलता है अर्बन सोसाइटी को। आराम से वहाँ पे आप एजुकेशन के लिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं, आप रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे टूरिज़म के लिए बेनिफिट कर सकते हैं। एक सस्टेनेबल एक लैंडस्केप बनती है बायोडाइवर्सिटी पार्क में, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिमाचल गवर्नमेंट लॉन्चेस हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती स्कीम। तो HP स्वर्ण जयंती स्कीम जो कि लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। सो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे इस के अंदर, और साथ ही साथ डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी थे जिनकी रिक्वेस्ट पे ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका नाम ये है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये है कि GST एक्ट के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, अ लॉट ऑफ केसेस आर स्टिल पेंडिंग एंड एरियाज जो हैं अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। सो टैक्स पेयर बेचारा ये कोशिश कर रहा है कि मैं और डॉक्यूमेंट करके आ जाऊँ, क्योंकि प्रोविजंस बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसको पहले कंपाइलेशन करना है, कलेक्ट कर रहा है, पेंडिंग स्टैट्यूटरी फॉर्म्स पड़े हैं, प्रिपेयरिंग रिकंसिलेशन, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं टू कंप्लीट द इंटायर असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, अंडरस्टैंड। स्टेक होल्डर्स मतलब जो लोग हैं जो पे करने वाले हैं, जो चाहते हैं पे करना अपना GST का जितना भी उनका केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीट द असेसमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं, बट और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं वो भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये HP स्वर्ण जयंती इसको किया जा रहा है। इसके अंदर होगा क्या, इस स्कीम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि डीलर्स जो होंगे दे कैन सिंपली डिपॉजिट देयर ड्यू टैक्सेस, जो भी बचा हुआ टैक्स है उसको वो सिंपली डिपॉजिट कर देंगे, उस पे उनको केवल 10% का एक असेसमेंट सेटलमेंट फ़ी पे करनी पड़ेगी, सिर्फ 10% की उनको सेटलमेंट फी पे करनी पड़ेगी, रादर देन पहले क्या चल रहा था, पहले उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा था, पेनल्टी भी पे करनी पड़ रही थी, बट अब जो है ये इंटरेस्ट पेनल्टी सब खत्म हो रही है, अपना जो ड्यू टैक्स है उसका अमाउंट आप पे कर दीजिए और साथ ही साथ 10% की एक सेटलमेंट फी पे कर दीजिए। और ये जो है दिस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम जो कि खत्म होगी 28 अप्रैल 2022 तक, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो डीलर्स जो अपनी एप्लीकेशन फाइल करने नहीं कर पा रहे हैं, हु फेल्स टू फाइल इन द फर्स्ट फेज, ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है, 28 अप्रैल 2022 तक का टाइम है। अगर आप इस टाइम पर भी 10% की सेटलमेंट फी और अपना ड्यू टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो, देन उस सिचुएशन में आपको आपकी ड्यू टैक्स देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको हायर सेटलमेंट फी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑफ 150%, मतलब 150% आपको चार्ज लगेगा इन द सेकेंड फेज, ठीक है। तो इतना भी आप याद रखिएगा। सो इस होल स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या मिल रहा है कि कोई टैक्स कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ रही है आपको, सेटलमेंट फी जो है दैट इज यू आर सपोज टू पे एंड योर ड्यू टैक्स एंड दैट इज इट, आपको इस तरीके से रिलीफ मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारी नॉन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है, मतलब ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, दैट इज़ डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नॉनी, जिसने डेवलप किया है बहुत सारी ऐसी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जिसके एडॉप्शन से जो किसान का इनकम है वो बढ़ेगा एंड काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। और इसमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी वो है जो कि कैटेगरी जिसे कहते हैं नेचुरल फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री की कैटेगरी है जहाँ पे किसान की जो आय है वो बढ़ सकती है और इस अंडर दी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। सो व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग इज बेसिकली जो नेचर है उसको आपने यूज़ करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एंड एक सस्टेनेबल फार्मिंग जिसको कहते हैं वो। तो इसमें जो नेचुरल फार्मिंग का ये कॉन्सेप्ट था, ये इकोलॉजिकल एग्रीकल्चरल अप्रोच है जिसको स्टैब्लिश किया था मसनोबू फुकुओका, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। तो फुकुओका साहब ने जो है एक जापानीज फार्मर हैं और फिलोसोफर भी हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर प्रेजेंट किया था। सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज द बुक दैट इज द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन पब्लिश्ड इन 1975। सो वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन जो पब्लिश हुई थी 1975 में, इसके अंदर जो है उन्होंने ये पूरे कॉन्सेप्ट अप्रोच को स्पेसिफाई किया था, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक MTB रेसर है जिनका नाम है शिवान। शिवान जो है जो कि चुलिंग विलेज के हैं इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द साइकिलिंग ट्रेनिंग कैंप इन टर्की। तो एक छोटा सा एक वन लाइनर सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ये 2 महीने का कैंप होगा, दैट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, राइट। अबाउट शिवान पास्ट अचीवमेंट, तो इन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन द इंटरनेशनल लेवल MTB साइकिलिंग कॉम्पिटिशन सिंस 2019 एंड ही हैज़ बीन अ नेशनल चैम्पियन ट्वाइस, एंड इन्होंने काफ़ी सारे मेडल जो है वो जीते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी जीते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवलांचे अवेयरनेस कैंपेन जो है या वर्कशॉप, ये यंग लोगों के लिए लगाई गई है, कहाँ पे, हमता पास इन कुल्लू। तो पहली बात है ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आप ज़रूर इसको याद रखिएगा, इट इज़ हमता पास कुल्लू। ये 3 दिन का एवलांचे अवेयरनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप है यूथ के लिए, जो कि कहाँ पे लग रहा है, मनाली के अंदर। जो कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हिमालयन एक्सट्रीम सेंटर कंक्लूडेड एट हमता पास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए हमता पास जो है इट्स अ कॉरिडोर in the Himalaya जो कि it is a corridor between the Chandra Valley जो कि कहाँ पे है, लाहौल में, and कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये एटलीस्ट आप जोग्राफिकली इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, इट इज़ अ कॉरिडोर बिटवीन चंद्रा वैली एंड कुल्लू वैली, अंडरस्टैंड, इतना आप ध्यान रखिए। द पास इज नेम्ड आफ्टर हमता विलेज, ठीक है, हमता विलेज, राइट। सो एवलांचेस क्या होते हैं, इट इज़ अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती है, ठीक है। एवलांचे कैन बी सेट, एकदम से भी आ सकते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन को, एनिमल्स को, और इसकी वजह से ये अर्थक्वेक भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हिमाचल बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू कलेक्ट ग्रीन टैक्स वाया फास्टैग, ठीक है। सो हिमाचल फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में टू कलेक्ट द ग्रीन टैक्स, ठीक है। सो हिमाचल हैज सेट अप द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कलेक्ट दिस टैक्स विद NETC फास्टैग बैरियर एज द फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो पहला पॉइंट तो यही है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैसिलिटी हैज बीन स्टार्टेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा ये कॉन्टैक्टलेस टैक्स कलेक्शन जो सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया है, और इसी एफर्ट की वजह से हिमाचल के पास ये रिकॉग्नाइजेशन आ गई है दैट दे आर गोइंग टू कलेक्ट द ग्रीन टैक्स, ठीक है, थ्रू NETC फास्टैग बैरियर के थ्रू, ठीक है। सो दिस बैरियर जो है, ये जो बैरियर है, दिस बैरियर हैज़ बीन सेटअप एट द एंट्री पॉइंट ऑफ मनाली, entry point of Manali, which has been the largest tourist footfall in the state. तो ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, okay? So this is all for today's class and I hope you like this session. And कोई भी doubt है, कोई भी question है, you directly comment in the comment section and we'll bring another session on this for the next week, right? Thank you.